टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। पीलीभीत भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया। किसानों द्वारा अपने 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसके बाद किसान भारत बंद करने में लगे। पीलीभीत से लेकर खुटार तक किसानों ने जगह जगह बैरियर लगाकर आवागमन बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि पिछले 9 महीने से देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर देश का अन्नदाता कहे जाने वाले किसान केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती लागू किए जा रहे 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन देश की वर्तमान सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर आज यानी कि 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया है, जिसका पूर्ण समर्थन आजाद समाज पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी पीलीभीत किसी भी परिस्थिति में देश के अन्नदाता किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर संघर्ष करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसान द्वारा पीलीभीत हाईवे, पूरनपीर खमरिया चौराहे और सिरसा चौराहे पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और काफी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फूलचंद राठौड़, पीलीभीत। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं।